राम राम जी सबको। ये सुबह का टाइम है और ये लोहड़ी वाला दिन है और ये सुबह सुबह मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे किचन साफ़ करने को रह गया था। पिछले दो दिनों से मुझे बुखार था इसलिए मेरा सफाई नहीं हो पाई थी किचन की। तो आज लोहड़ी वाला दिन है तो सुबह सुबह का टाइम है तो मैं सोचा चलो किचन को साफ़ कर ही देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी दवाई खा के मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी इसलिए सोचा मैं सफाई कर देती हूँ। फिर देखते हैं शाम को कुछ करते हैं। सब लोग बीमार पड़े हैं इस बार लोहड़ी के टाइम, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी है और ये किचन भी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था मैंने क्योंकि हम आज कल यहाँ पे खाना बनाते ही हैं आग वाले चूल्हे पे बनाते हैं जो कि हमारे निचली मंजिल में और सीधा सीधा है क्योंकि ठंड है तो आग तो जलानी पड़ती है तो खाना भी वहीं पर बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने ये अच्छे से साफ़ कर दिया था, मैंने इसमें लगाए थे ना, कोई दो घंटे लगे थे वो भी अंदर से ड्रॉ वगैरह, दो घंटे लगे मुझे सफाई करने में और नीचे पोछा मारा है तो थोड़ी देर में और यहाँ पे ये सफाई करने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है किचन, काफ़ी अच्छा लग रहा है साफ होके क्योंकि काफ़ी दिनों से सोची थी बट मुझे चार टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैंने लगा के किया है टाइम तो आज नहीं था, तबीयत तो ठीक नहीं थी बट फिर भी दवाई खाने से थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी तो सोचा चलो साफ़ कर ही देती हूँ। और यहाँ से मैंने बेड शीट हटा दी है, वो काफ़ी टाइम से बिछी थी उसको धो के रख दिया है और दूसरी मेरे पास इतनी लंबी नहीं क्योंकि दो बेड शीट एक रंग की मैंने सिली थी अब मुझे लानी पड़ेगी एक रंग की बेड शीट, फिर वो यहाँ पे पूरी दो बेड शीट लगती है बिछाने की। पिछले दो दिन से बुखार था ना मुझे, आज लोहड़ी मेरा मन कर रहा है करूँ मैं लोहड़ी पे Happy, happy, happy.